आरजेसी न्यूज हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। जनपद जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में जहां प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक के सर पर डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया। घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक जालौन स्वामी प्रसाद ने बताया कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते की गई है। इस हत्या में रिश्ते में लगने वाले बाबा ने अपने नाती की हत्या को अंजाम दिया है। हत्या में 3 लोग शामिल थे जिसमें से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त अभी भी फरार है जिसकी खोज की जा रही है। इस तारीख को प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या उसके सगे रिश्तेदारों द्वारा कर दी गई थी जो रिश्ते में मौसिया लगता है और कर करके उसकी लाश को जंगल में इकोना के जंगल में छुपा दिया गया था नाली के अंदर, जहां से जनता के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष द्वारा उसकी बॉडी को थाने लाया गया। थाने लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, उसके परिजन आए जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें से 2 महत्वपूर्ण अभियुक्त जिनके द्वारा हत्या की गई थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने लोग फरार हैं? इसमें 3 लोग हैं कुल, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है।